हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विशाल वर्मा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल विशिंग ब्लॉग्स। आज मैं बरेली बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। बस स्टैंड की हालत बहुत बुरी है, ना सवारी दिख रही है ना कुछ। बताइए कैसे चलेगा ये सब। ये देखिए पूरा बस स्टैंड का मैं माहौल दिखा देता हूँ, बहुत बुरे हाल हैं। कोई भी सवारी वगैरह कुछ भी नहीं है, कैसे ये बसें चलेंगी, सब खड़ी हैं लाइन से। देखिए फिलहाल मैं मास्क पहन लेता हूँ, नहीं तो पुलिस वाले भैया जी जो हैं 500 रुपये चालान काट देंगे। फिलहाल मैं ड्यूटी लेने जा रहा हूँ, मुझे ड्यूटी स्लिप मिल गई है और मैं अब जा रहा हूँ मैं टिकट लेने। लखनऊ के लिए जाना है। गाड़ियाँ देखिए कैसे लाइन से खड़ी हैं, कोई सवारी का अता पता नहीं। मैं बरेली के सेटेलाइट पे आ गया हूँ, यहाँ का भी माहौल कुछ सही नहीं है। मैं उस टाइम बरेली बस स्टैंड पे था, अब पुराने बस स्टैंड था, अब ये सेटेलाइट का है, बरेली का सेटेलाइट बस स्टैंड। अब मैं चल रहा हूँ अपनी गाड़ी पर, कुछ खाना पीना खा लेता हूँ। ये देखिए बरेली का बस स्टैंड है। मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी पर। ये मेरा ड्राइवर अंकल है। हाय, कौन है? हाय कीजिए। और ये मेरी गाड़ी है, आज मैं लखनऊ जाऊँगा और अब तो मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ फिलहाल। ये देखिए भाई साहब कोरोना टेस्टिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर का। देखिए इनका नाम आदित्य जी है। श्री विनोद कुमार वर्मा, 8550 7179 2 7179 2 लखनऊ। एक बार बाइक आया कर दीजिए, ये जल्दी वीडियो पढ़ने वाली है। यूट्यूब चैनल है ना, ब्लॉग बना रहे हैं ब्लॉग। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा आराम करने, बहुत टाइम हो गया है, दोपहर का टाइम हो गया, चिलचिली गर्मी है, सवारी वारी कुछ दिख नहीं रही है। अब मैं जा रहा हूँ आराम करने। वेटिंग रूम एरिया ये है, इसमें मैं आराम करूँगा। चलते हैं आराम करने, बैठते हैं आराम से, आराम करते हैं। बहुत हो गया, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। लखनऊ के लिए निकल चुके हैं हम लोग और देखिए अब हरी भरी वादियों को देखिए, तरबूज और वो दिख रहे हैं बढ़िया फल, और काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है। ये रोजा का ग्राउंड टाइप का है, हरी भरी वादियाँ कितनी बढ़िया लग रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, कितना बढ़िया महसूस हो रहा है। चलते रहिए और देखते रहिए। ढाबा आ गया हम लोग का, अब हम लोग खाना खाएंगे और खाना खा के फिर प्रस्थान करेंगे। ये देखिए संगम ढाबा है और काफ़ी लाजवाब और स्वादिष्ट खाना बनाता है और बड़े प्यार से परोसता है। ये मैगलगंज में है ढाबा, बड़ा अच्छा ढाबा है। मैं तो सबको यही कहूँगा, सब लोग यहीं पे रुकें, बहुत काफ़ी अच्छे से प्यार से खाना खिलाता है। खाना खा के हम लोग मैगलगंज से निकल चुके हैं,
बड़ा लाजवाब खाना था। और अब तो हम लोग लखनऊ के लिए निकल भी चुके हैं, रवाना हो गए हैं लखनऊ के लिए। अब आगे सीतापुर आने वाला है फिलहाल। सीतापुर आ गया है और उस हम लोग थोड़ी देर के लिए बस स्टैंड पे बस पैसेंजर लेंगे, उसके बाद रवाना होंगे लखनऊ के लिए। लखनऊ में हम लोग इंटर कर चुके हैं और ये पक्का पुल पे हम लोग जा रहे हैं, जिसको गोमती का पुल भी बोलते हैं। ये देखिए गोमती नदी आपको जल्दी दिखने वाली है और हम लोग उसी पक्के पुल पे चलते चले जा रहे हैं। दृश्य काफ़ी गोमती का बहुत बढ़िया अच्छा लगता है, शाम के वक्त और अच्छा लगता है, मैं दिखाऊंगा। फिलहाल ये दिन का टाइम है अभी गोमती। मैं अब लखनऊ के पार्क दिखाने जा रहा हूँ, बहुत मज़ेदार और शानदार और अच्छे दृश्य वाले पार्क हैं। जैसे ये तो बुद्धा पार्क है, पानी लग रहा है मुझे, बुद्धा पार्क गौतम बुद्ध पार्क बोला जाता है, पानी नहीं लेकिन। और ये काफ़ी शानदार पार्क है ये भी, और आगे भी चल के मैं और भी पार्क दिखाता हूँ क्योंकि इतने शानदार शानदार पार्क हैं। ये देखिए, ये है शहीद स्मारक पार्क, ये भी काफ़ी अच्छा है। कारगिल के युद्ध में कारगिल वालों के लिए बनाया गया है और शहीदों के लिए बनाया गया है, काफ़ी अच्छा पार्क है ये भी, शानदार दिखता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दृश्य इसका दिख रहा है। ये लखनऊ का ग्लोब पार्क है, ये भी काफ़ी शानदार पार्क है। इसमें ग्लोब मछली के ऊपर ग्लोब बना हुआ है, देख सकते हो आप आराम से। काफ़ी अच्छे अच्छे पार्क हैं लखनऊ में, मज़े आते हैं। और अब तो लखनऊ का केसर बाग भी आने वाला है, ये जो है कचहरी है और आपको सामने आगे दिख रहा होगा केसर बाग। अभी फ़िलहाल कचहरी चल रहा है, केसरबाग आने वाला है जस्ट तुरंत ही। ये केसरबाग चौराहा आ गया है और पैसेंजर उतर रहे हैं। ये देखिए केसरबाग आ चुका है, पैसेंजर उतर रहे हैं। अब उसके बाद मैं आपको सीधे अंदर ले चलूँगा, जहाँ पैसेंजर उतरने के बाद सीधे अंदर ले चलूँगा आपको। उतर जाने दीजिए, ये देखिए केसरबाग दिखाया जा रहा है, उतरने दीजिए पैसेंजरों को, उसके बाद ले चलूँगा। ये देखिए रिक्शे वाले भाई साहब चार बाग की आवाज़ लगा रहे हैं। ये केसर बाग डिपो तो आ गए हम लोग, लेकिन वाहन में कुछ समस्या हो रही है, उसके कारण जो है हम लोग वर्षा जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ड्राइवर अंकल जो हैं कोशिश तो करेंगे सही करने की, अगर नहीं सही होता है तो फिर हम लोग वर्कशॉप जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे गाड़ी को, तो उसके बाद फिर से रवाना होंगे। बंद करके देखिए, बंद करके फिलहाल हम लोग वर्कशॉप तो नहीं जा रहे हैं, फिर से करके हम लोग बरेल केसरबाग डिपो में अंदर लगा के सवारी भरेंगे। ये देखिए बरेली बरेली की आवाज़ चिल्लाते हुए ये मेरे डिपो के परिचालक हैं और मैं एंट्री ले रहा हूँ केसरबाग डिपो में, जो कि बहुत शानदार डिपो है।
और बस स्टैंड भी बहुत शानदार बना हुआ है। बस स्टैंड भी शानदार फिलहाल बना हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको ख़राब नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल शानदार बस स्टैंड कहाँ से ऐसा बना हुआ है, ये देखिए शानदार बस अड्डा है केसरबाग का। और मैं फिलहाल पानी भरने जा रहा हूँ, पानी वाले भैया जी को थर्मस पकड़ा देता हूँ, पानी भर लेता हूँ। हाय, ये देखिए मामू लोग चालान काट रहे हैं, सबके चालान पे चालान कट रहे हैं। मास्क, कुछ लोग मास्क नहीं लगाए हैं, कुछ लोग हेलमेट नहीं पहने हैं, चालान पे चालान कटे जा रहे हैं। ये देखिए, अब लापरवाही तो करेंगे तो फिर वो भुगतेंगे, तभी तो कह रहे हैं कि मास्क लगा के रखिएगा। अब बताइए, 50% मांगा जा रहा है इनकम, और सवारी का नामो निशान नहीं। देखिए बस अड्डे में सवारी का नामो निशान है कुछ, बिल्कुल नहीं, और फिर भी 50% मांग रहे हैं। या तो आरएम महोदय या एआरएम महोदय जी से या विनती करवा लीजिए, या सरकार से विनती कीजिए कि लॉकडाउन खुलवा दें, तब तो 50% का 60% भी आ जाए। जब ये नहीं हो सकता तो 50% और 60% क्यों मांगा जा रहा है बताइए, ये नाइंसाफ़ी है कि नहीं। मैं अब निकलने जा रहा हूँ, फिलहाल बरेली के लिए प्रस्थान करने जा रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी वापस आ रही है, मशीन ऐसे खुलती है, मशीन पहले खोलेंगे, उसको 3 मिनट लगता है मशीन खोलने में। ये मशीन है, देखिए पूरी पूरी मशीन जैसे है। 3 मिनट बाद अभी ऐसे आता है, खुलती है मशीन, उसके बाद मशीन खोलने के बाद हम लोग रूट सेलेक्ट करेंगे। UPI का ये ट्रामिक्स एप्लीकेशन, ये जो मशीन है वो ट्रामिक्स एप्लीकेशन पर चलती है, और बालाजी मशीन का नाम है, देखिए खुल गई। अब इसको जो है हम लोग रूट सेलेक्ट करेंगे पहले वापसी का। सेलेक्ट करते हैं, टाउन के लिए दिखा रहा है। देखिए लखनऊ के लिए टाउन, यानी लखनऊ से बरेली, ये ऑफलाइन मशीन है इसलिए इसमें ऐसे दिखाएगा, ऑनलाइन मशीन होता है तो लखनऊ से बरेली दिखाता है, उसमें टाउन ऑन जिसमें दिखाता है। लखनऊ से हम लोग बाहर जा रहे हैं बरेली की तरफ, और ये टीला का मस्जिद है लखनऊ का, टीला का मस्जिद बड़ा शानदार है फिलहाल, टीले वाली मस्जिद। सब दृश्य आज आपको हम लोग दिखा देते हैं।
कहाँ जाएंगे? बिस्वा आज सिंदौरी तक ही आ जाओ। चलिए किले वाला मस्जिद, किले वाले मस्जिद के पड़ोस में ही गोमती पुल है। ये देखिए गोमती पुल रात के टाइम में बहुत शानदार दिखता है, आप देख सकते हो दृश्य। अब फिलहाल हम लोग बरेली की तरफ चल दिए हैं, शानदार दृश्य शाम के टाइम तो बहुत शानदार दृश्य दिख रहा है। लखनऊ की शाम तो बड़ा शानदार रहती है। फिलहाल मैं आपके घर जा रहा हूँ, अब बाद में टिकट काटने के बाद फिर से मिलते हैं आपसे। फिलहाल मैं आराम करने जा रहा हूँ, मेरी सीट तो और मैं आराम करने जा रहा हूँ। लाइट वगैरह सब कुछ मैंने ऑफ करा दी है और मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, उसके बाद मैं ढाबे पर मिलता हूँ आपको। ओके हाँ फ्रेंड, भूख लगी है तो खाना खा लीजिए। देखिए ढाबा पे खाना खाने के बाद आया हूँ, शाम का टाइम है। नमस्ते, और ये संगम ढाबा देखिए रात का टाइम है। फाइनली हम लोग बरेली बस स्टैंड आ गए हैं। कैसा लगा मेरे साथ ट्रिप कंप्लीट करने में? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मैं आपका दोस्त विशाल वर्मा आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक नमस्कार।